हाय दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात किया था कि ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, कैसे उसे हम लोग रेफर कर सकते हैं प्राइमरी साइड पे, सेकेंडरी साइड पे, और किस तरह से उस सर्किट को अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं कि जो भी इक्विवेलेंट सर्किट हमने पढ़ा है उसमें जो भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस हम शो करते हैं उनकी वैल्यूज को कैसे प्रैक्टिकली डिराइव किया जाता है। तो हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर पे कौन से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जिससे कि जो भी पैरामीटर सर्किट में शो किए गए हैं वो डिराइव किए जा सके। तो हम बात करेंगे टेस्ट्स ऑन अ ट्रांसफार्मर के बारे में। अब देखो, जो गेट के लिए रेलिवेंट है, गेट के लिए दो टेस्ट यहां पे हमारे रेलिवेंट हो जाते हैं। एक हो जाता है ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा हो जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं ओपन सर्किट टेस्ट से। ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब है ट्रांसफार्मर में लोड ना लगा के उसका लोड वाले साइड को ओपन रखा जाए। तो देखो कैसे कनेक्शन बनाएंगे। मैं एक ट्रांसफार्मर ले लेता हूं, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करते हैं, वाइंडिंग लगाते हैं। अब इसकी जो सेकेंडरी साइड है उसे ओपन रखेंगे तभी इसको बोल सकते हो ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। और जो प्राइमरी साइड है वहां सारी मेजरमेंट ली जाती हैं। तो क्या क्या मेजरमेंट आ जाती हैं, यहां पे एक एमीटर लग जाता है करंट मेजरमेंट के लिए, वोल्ट मीटर लग जाता है वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, और हमें पावर की रीडिंग की जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम लगा लेते हैं एक वॉट मीटर। तो जो मैंने दो कॉइल वाला सर्किट बनाया ना, तो जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि ये वॉट मीटर का रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं तीन क्वांटिटीज मेजर करने वाला हूं प्राइमरी साइड पे, वोल्टेज करंट और पावर, और सेकेंडरी को रखेंगे ओपन। लेकिन देखो, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि अब जब हम मशीन के अंदर ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, एक लार्ज स्केल पे पढ़ रहे हैं, तो अब हम प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं करते, हम बात करते हैं हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की, ठीक है। तो अब बात यह आती है इन दोनों में से हाई वोल्टेज साइड कौन सी है और लो वोल्टेज साइड कौन सी है, इस पे आऊंगा। पहले ओपन सर्किट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है पहली बात तो कोर लॉसेस पता करना। कोर लॉस माने हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस, इसकी वैल्यू डिराइव करना, ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है शंट ब्रांच के पैरामीटर्स निकालना। शंट ब्रांच माने कौन सी ब्रांच हो गई, आरसी और एक्सएम। तो ये वाला एक पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट इज टू डिटरमाइन द कोर लॉस and shunt branch parameters that is RC and XM, that is RC and XM, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जो भी कोर लॉस होते हैं ये हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं फ्लक्स के स्क्वायर के। और मेरे पास वोल्टेज इक्वेशन में क्या था, 4.44 एफ एन फाई एम, यानी कि फाई एम, यहां पे भी फाई एम लिख लेना, फाई एम इज प्रोपोर्शनल टू वी बाय एफ, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं फॉर रेटेड कोर लॉस, यानी कोर लॉस अंडर रेटेड कंडीशन, फाइव एम शुड बी रेटेड
और फ्लक्स को रेटेड रखने के लिए वोल्टेज शुड बी रेटेड एंड फ्रीक्वेंसी शुड ऑल्सो बी रेटेड। तो इसीलिए हम ये बोल देते हैं, ये जो टेस्ट करना है हमें ओपन सर्किट टेस्ट जो करना है, इसको रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे किया जाएगा। तो इसमें लिखना, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कोर लॉस अंडर रेटेड कंडीशन, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कोर लॉस अंडर रेटेड कंडीशन, ओसी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट का शॉर्ट फॉर्म ओसी टेस्ट इज कंडक्टेड एट, ओसी टेस्ट इज कंडक्टेड एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। ये मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब इसके बाद क्या बात आती है, अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि मैं ये कैसे पता लगाऊं कि मैं सप्लाई एचवी या एलवी साइड दे रहा हूं और ओपन सर्किट मैंने कौन सी साइड की है। अब देखो, मुझे ये चीज समझ आ गई कि मुझे रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट करना है। ट्रांसफॉर्मर के दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी सेम है, बदलती क्या है, वोल्टेज और करंट। तुम रेटेड वोल्टेज पे करना चाहते हो। मान लो एक ट्रांसफॉर्मर है 2500x250 वोल्ट का, अगर एचवी साइड पे करोगे तो 2500 वोल्ट पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि रेटेड वोल्टेज पे करनी है, एलवी साइड पे करोगे तो 250 वोल्ट पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। अगर एचवी साइड पे टेस्ट करोगे तो 2500 लगाना पड़ेगा और एलवी पे करोगे तो सिर्फ 250 वोल्ट लगेगा, तो कौन सा प्रेफरेबल है? हाँ, एलवी साइड, क्योंकि एलवी साइड की रेटिंग जब कम है तो वहां पे रेटेड वोल्टेज लगा पाना इजी है। तो इसमें लिखना, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन एलवी साइड keeping HV side open because applying rated voltage on LV side is more convenient as compared to rated voltage on HV side। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो आप देखो क्या क्या चीजें हमने एस्टैब्लिश कर ली है अभी तक, कि ओपन सर्किट टेस्ट में हमें क्या निकालना है, कोर लॉस और शंट ब्रांच के पैरामीटर। ये टेस्ट रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे कंडक्ट होगा, ये टेस्ट एलवी साइड पे कंडक्ट होगा और एचवी साइड रहेगी ओपन। तो ये साइड है एलवी और ये है अपनी एचवी, और इधर लगने वाली वोल्टेज को मैं लिख देता हूं V1। ठीक है, और मैं मेजरमेंट किस किस चीज की ले रहा हूं भाई, मेजरमेंट मैं ले रहा हूं करंट, वोल्टेज और पावर की। अब आते हैं देखो इसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट पे, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब अप्रोक्सीमेट सर्किट हमने कैसा बनाया था, देखो हमने अप्रोक्सीमेट सर्किट ऐसा बनाया था, ये जो शंट ब्रांच थी ये मैंने सप्लाई की तरफ शिफ्ट कर दी थी ना अप्रोक्सीमेट सर्किट में, और मैंने इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए थे शिफ्ट करने से क्या क्या चीजें चेंज हो जाती हैं, ये R01 JX01। ठीक है, फिर ये आगे आइडियल ट्रांसफॉर्मर दिखा देते हैं। अब ये मैंने सेकेंडरी साइड ओपन रखी है, I2 is zero. अगर I2 zero है तो उसका रिफ्लेक्शन जो आएगा प्राइमरी में I1 dash, ये भी जीरो होगा, क्योंकि I1 dash कैसे लिखते हैं, N2 by N1 into I2,
तो अगर लोड लगा ही नहीं है, वो कोई करंट ही डिमांड नहीं कर रहा, तो उसका रिफ्लेक्शन प्राइमरी में भी क्या होगा, जीरो। और ये बात मैंने पहले भी बताया था, वोल्टेज हमेशा ट्रांसफर होती है प्राइमरी से सेकेंडरी, लेकिन वहीं करंट हमेशा ट्रांसफर होता है सेकेंडरी से प्राइमरी। ठीक है, ये हमारा है आरसी और ये है एक्सएम। ये वोल्टेज है वी वन, ये करंट है आई नॉट, जिसके दो कंपोनेंट है आई डब्ल्यू और आई में। अब केसीएल लगाओगे, जब आगे कोई करंट नहीं जा रहा तो इधर से भी कितना जाएगा, आई नॉट। इस सर्किट को देख के एक बात समझ आती है, पहली बात वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्ट मीटर वाइंडिंग के अक्रॉस लगा है ना, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वी वन। एम मीटर की रीडिंग क्या होगी, करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर या सप्लाई से कितना आ रहा है, आई नॉट। और वॉट मीटर की रीडिंग क्या होगी, वॉट मीटर रीडिंग विल बी कोर लॉस। देखो मेनली ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो लॉस पड़े जाते हैं, कोर लॉस और कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कौन सा लॉस है, जो सीरीज वाले रेजिस्टेंस में आए। यहां सीरीज वाले रेजिस्टेंस का करंट जीरो है, तो बची कौन सी पावर, कोर लॉस। तो वॉट मीटर की जो रीडिंग होगी इट विल रिप्रेजेंट कोर लॉस। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट लिख लेना, सिंस करंट इन सीरीज ब्रांच इज जीरो, सिंस करंट इन सीरीज ब्रांच इज जीरो, कॉपर लॉसेस डू नॉट ऑकर, कॉपर लॉसेस डू नॉट ऑकर, सो वॉट मीटर रीडिंग, सो वॉटमीटर रीडिंग रिप्रेजेंट्स, वॉटमीटर रीडिंग रिप्रेजेंट्स कोर लॉस, वॉटमीटर रीडिंग रिप्रेजेंट्स कोर लॉस। लेकिन देखो एक्चुअल में सर्किट था कैसा, अगर एक्चुअल सर्किट की बात करें, अप्रोक्सीमेट की बात ना करें, एक्चुअल सर्किट था कुछ ऐसा। बाद में ही तो तुमने ये शंट वाली ब्रांच को रेफर किया था, एग्जैक्ट सर्किट तो ऐसा बना था। ये मेरी बात समझ आ रही है, मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि प्रैक्टिकलिटी और एजम्पशन में क्या डिफरेंस है। यहां पे ये सेकेंडरी साइड के पैरामीटर रेफर्ड थे प्राइमरी पे, और ये सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी पे। I2 जीरो होने की वजह से I1 डैश जीरो था, यहां करंट था I0, तो KCL के हिसाब से यहां से भी आया था I0। अब यहां देखो अगर I0 आ रहा था तो R1 में तो कॉपर लॉस आ रहा था। मैं कह रहा हूं नो लोड पे कॉपर लॉस कितना था, I0 स्क्वायर R1। लेकिन इस सर्किट में नो लोड पे कोई कॉपर लॉस दिख ही नहीं रहा, क्योंकि सीरीज ब्रांच का करंट क्या हो गया है, जीरो। तो एक्चुअल में, एक्चुअली वॉटमीटर जो पावर मेजर कर रहा है, वॉटमीटर तो टोटल पावर बताएगा ना, तो प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोर लॉस तो आ रहा है प्लस साथ साथ आ रहा है आई नॉट स्क्वायर आर वन। बट हम ये जानते हैं आई नॉट is very small, ये 5-6% होता है, इसीलिए वॉट मीटर की रीडिंग अप्रोक्सीमेटली हम कह देते हैं कोर लॉस के बराबर आएगी। बट ये मत सोचना कि एग्जैक्टली वॉट मीटर कोर लॉस देता है, वो देता है कोर लॉस प्लस कॉपर लॉस एट नो लोड। तो अगला पॉइंट ये लिखना, इन एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, इन एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट कॉपर लॉसेज एट नो लोड, इन एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट कॉपर लॉसेज एट नो लोड आर नॉन जीरो, कॉपर लॉसेज एट नो लोड आर नॉन जीरो, बट इन अप्रोक्सीमेट सर्किट वी नेग्लेक्ट
नो लोड कॉपर लॉस, वी नेग्लेक्ट नो लोड कॉपर लॉस, सो प्रैक्टिकली वॉट मीटर रीडिंग, प्रैक्टिकली वॉट मीटर रीडिंग इज सम ऑफ, प्रैक्टिकली वॉट मीटर रीडिंग इज सम ऑफ कोर लॉस, सम ऑफ कोर लॉस एंड नो लोड कॉपर लॉस, सम ऑफ कोर लॉस एंड नो लोड कॉपर लॉस. ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट सर्किट है और ये एग्जैक्ट सर्किट है. तो एग्जैक्ट सर्किट के हिसाब से क्या आनी चाहिए थी पावर, कोर लॉस प्लस आई नॉट स्क्वायर आर वन. तो अगर आई नॉट स्क्वायर आर वन को इग्नोर कर दोगे तो क्या बोलोगे, वॉट मीटर की रीडिंग है कोर लॉस. लेकिन ये ध्यान रखना ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है, प्रैक्टिकली आई नॉट स्क्वायर आर वन आना चाहिए था. ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं, देखो जब इंडक्शन मोटर पे जाएंगे ना उसका सर्किट ट्रांसफॉर्मर की तरह बनता है, लेकिन वहां हम ये देखेंगे आई नॉट स्मॉल नहीं होता. अगर आई नॉट स्मॉल नहीं होता तो यहां ये आई नॉट स्क्वायर आर वन की टर्म को इग्नोर नहीं कर सकते थे. अभी तो छोटा है तो इग्नोर कर दिया. तो अब ये सर्किट अप्रोक्सीमेटली हम लेके चल रहे हैं तो ये सिंप्लीफाई होके कैसा बन जाएगा, आगे तो करंट जा नहीं रहा तो आगे की ब्रांच को इग्नोर कर दो. तो सर्किट में बचा क्या, आरसी और JXM, यही बचा ना. आगे तो कोई करंट है ही नहीं, यहां से आ रहा है I नॉट और यहां से आ रहा है V1. और मैंने पहले भी बताया था कि ब्रांच शिफ्ट करने से आरसी के अक्रॉस की वोल्टेज E1 की जगह हो गई V1, तो जो भी कोर लॉस निकालोगे वो ओवर एस्टिमेटेड रहेंगे. अब देखो जो भी पावर आने वाली है, वॉट मीटर जो रीडिंग देता है वो रियल पावर देता है ना, वॉट मीटर रीडिंग इज एक्चुअली कोर लॉस, जैसा भी बोला नो लोड कॉपर लॉस इग्नोर्ड है. इस सर्किट में रियल पावर कैसे निकालोगे, V1 square by RC. तो RC क्या हो गया, V1 square by P core या V1 square by wattmeter reading. तो एक टर्म तो आ गई ना मेरे पास RC, दूसरी टर्म अभी क्या निकालनी बची है, XM. XM निकालने के लिए क्या करोगे, पहले IW निकाल लो. मैं कहूंगा कोर लॉस क्या होगा, वोल्टेज इंटू करेंट. ठीक है, तो यहां से IW कितना आ गया, वॉट मीटर रीडिंग बाय V1, क्योंकि रियल पावर तो RC में ही है ना. बस अगर रियल पावर सिर्फ RC में है तो वोल्टेज इंटू करेंट कर दें अगर RC में, तो रियल पावर मिल जाएगी, रियल पावर या फिर वॉट मीटर रीडिंग मिल जाएगी. इसीलिए मैंने लिख दिया कि वॉट मीटर रीडिंग है V1 इंटू IW. तो IW आ गया. अभी मैंने बोला था एमीटर की रीडिंग कितनी है, एमीटर रीडिंग है हमारी, एमीटर रीडिंग इज आई नॉट. ठीक है, IW पता है, आई नॉट पता है, आई नॉट होता है रूट ओवर IW² + Iμ² तो यहां से Iμ आ जाएगा ना, रूट ओवर I0² - IW² एक बार Iμ मुझे मिल गया तो मैं XM निकाल सकता हूं. किसी भी ब्रांच की इंपेडेंस कैसे निकलती है, वोल्टेज बाय करंट. तो XM हो जाता है V1 ओवर Iμ. तो देखो मेरे पास RC भी आ जाता है, XM भी आ जाता है और वॉट मीटर रीडिंग से क्या आ जाता है, कोर लॉस. मेरी यहां तक बात क्लियर हुई. तो इसके अंदर ना देखो रटो मत कि रिजल्ट कैसे निकालना है, इसके अंदर ध्यान बस क्या दो कि सीरीज ब्रांच को इग्नोर करके बस शंट ब्रांच लेनी है. अब ये एक ऐसा सर्किट है जिसका वोल्टेज करंट और पावर पता है तो तुम क्या बता सकते हो, RC और XM. आगे नेटवर्क की तरह सॉल्व करना, इसमें ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि कैसे डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हैं. अब देखो नो लोड के केस में हमने फेजर डायग्राम भी पढ़ रखा है, एक बार मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं.
कि नो लोड के केस में फेजर डायग्राम का क्या सीन है। सबसे पहले हम फेजर डायग्राम में बनाते हैं फाई, इसके सेम फेज में आता है आई म्यू और फिर इससे लैगिंग हम ईएमएफ दिखाते हैं, फिर ईवन से अपोजिट हम माइनस ईवन दिखाते हैं और इसके सेम फेज में दिखाते हैं आई डब्ल्यू। ये करंट हो जाता है आई नॉट, तो इसको हम फाई नॉट कहते हैं ना। तो हम क्या जानते हैं कि नो लोड पावर फैक्टर का जो एंगल है वो 70 से 75 डिग्री होता है, इसी वजह से नो लोड पावर फैक्टर इज अप्रोक्सीमेटली 0.2। तो हम ये जानते हैं कि नो लोड का पावर फैक्टर काफी लो आता है। अब देखो वॉट मीटर दो तरह की कंस्ट्रक्शन में जनरली अवेलेबल होते हैं, एक होता है यूनिटी पावर फैक्टर वॉट मीटर जो कि यूनिटी पावर फैक्टर की रीडिंग लेता है, और दूसरा होता है लो पावर फैक्टर वॉट मीटर जिसकी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लो पावर फैक्टर पे पावर को मेजर किया जाता है। तो एक बार थोड़ा सा मुझे सोच के ये बताओ यहां कौन सा वॉट मीटर प्रेफर करोगे, ठीक है? एक है यूपीएफ एक है एलपीएफ। तो बहुत सारे लोगों ने सही गैस किया होगा एलपीएफ वॉट मीटर क्योंकि यहां पावर फैक्टर है लो। तो अगला पॉइंट लिखना, नो लोड पावर फैक्टर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, नो लोड पावर फैक्टर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज वेरी लो सो वी नीड टू यूज अ लो पावर फैक्टर वॉट मीटर फॉर पावर मेजरमेंट। ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर है? ठीक है ना, तो बस ये ध्यान रखना ओपन सर्किट टेस्ट में सीरीज ब्रांच को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ कौन सी ब्रांच कंसीडर की जाती है, शंट ब्रांच। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखना, what happens if open circuit test is conducted, what happens if open circuit test is conducted at rated voltage but less than rated frequency, तो एक बार वीडियो पॉज करके डिराइव करने की कोशिश करो कि किस किस पैरामीटर में चेंज आएगा। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं, जिन लोगों को ट्राई करना है वो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन को शुरू कहां से करोगे कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी रेटेड से कम है और वोल्टेज है रेटेड, किसी भी क्वांटिटी का डिनोमिनेटर अगर गिरा दोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो फ्लक्स तो बढ़ेगा ना। अभी मैंने एक चीज बताई थी कि जो कोर लॉस होते हैं दे आर प्रोपोर्शनल टू फाई स्क्वायर, फ्लक्स बढ़ रहा है माने कि कोर लॉस भी बढ़ेगा। वॉट मीटर रीडिंग क्या बताती है, कोर लॉस देती है ना हमें, तो मैं कहता हूं ओपन सर्किट टेस्ट की वॉट मीटर रीडिंग भी मेरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वॉट मीटर रीडिंग बढ़ गई, कोर लॉसेस बढ़ गए हमारे, अब फ्लक्स बढ़ने से क्या होगा, हमें ये पता है एन इंटू आई म्यू इज फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस, तो फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो आई म्यू भी बढ़ता है। रही बात आई डब्ल्यू की, कोर लॉस को लिखते हैं वी वन इंटू आई डब्ल्यू, अभी मैंने शंट ब्रांच के टर्म्स में लिखा था ना वी वन इंटू आई डब्ल्यू, तो कोर लॉस बढ़ने से आई डब्ल्यू भी बढ़ेगा क्योंकि वोल्टेज तो फिक्स रखी है ना, वोल्टेज फिक्स है तो कोर लॉस बढ़े तो आई डब्ल्यू बढ़ा। अब हम जानते हैं आई नॉट इज रूट ओवर आई म्यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर, तो आई नॉट भी बढ़ेगा। आई नॉट किसकी रीडिंग थी,
एमीटर की, तो हम कह सकते हैं एमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, एमीटर की रीडिंग बढ़ेगी। इसके बाद अगर पावर फैक्टर की बात करें, हम ये जानते हैं सिंस आई म्यू हमेशा डोमिनेट करता है आई डब्ल्यू को, आई म्यू रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है, तो चेंज इन रिएक्टिव पावर इज ग्रेटर देन चेंज इन रियल पावर। अगर रिएक्टिव पावर ज्यादा बढ़ रही है तो पावर फैक्टर कम हो जाएगा। रिएक्टिव पावर हमेशा पावर फैक्टर को कम करती है, रियल पावर पावर फैक्टर को बढ़ाती है। तो अगर रिएक्टिव पावर डोमिनेट करेगी तो पावर फैक्टर विल डिक्रीज, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आएंगे अगर ओपन सर्किट टेस्ट में फ्रीक्वेंसी को कम करते हो, ठीक है। वोल्टेज फिक्स रखिए तो वोल्ट मीटर की रीडिंग पे तो कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। अगर तुम फ्रीक्वेंसी एक्सपेरिमेंटली कम भी करते हो तो तुम देखोगे वॉट मीटर की रीडिंग बढ़ने लगेगी और साथ साथ एमीटर की रीडिंग भी बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ ओपन सर्किट टेस्ट। याद रखने वाली बात क्या है, फिर से दोहरा रहा हूं कि सीरीज ब्रांच को इग्नोर करके सिर्फ किसे कंसीडर करना है, शंट ब्रांच को। तो अगले टेस्ट पे चलते हैं, अगला टेस्ट लिखना शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब देखो अगेन, जैसे ओपन सर्किट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव था कोर लॉस निकालना, और मैंने बोला ट्रांसफार्मर में दो लॉस मेजर होते हैं, कोर लॉस और कॉपर लॉस, तो ऐसे ही शॉर्ट सर्किट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कॉपर लॉसेस को निकालना, ठीक है। तो अब हम अगले टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। तो इसमें लिखना द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन द कॉपर लॉस एंड सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स, द कॉपर लॉस एंड सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स। अब देखो कॉपर लॉस होता क्या है, आई स्क्वायर आर। अगर तुम रेटेड कॉपर लॉस निकालना चाहते हो या कॉपर लॉस अंडर रेटेड कंडीशन, तो करंट भी क्या रखना पड़ेगा, रेटेड। तो ये वाला भी पॉइंट लिखो, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन रेटेड कॉपर लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस, रेटेड को मैंने फुल लोड भी बोला था ना, रेटेड कॉपर लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस, रेटेड करंट मस्ट बी यूज्ड इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट, रेटेड करंट मस्ट बी यूज्ड इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये बात क्लियर हुई, रेटेड करंट का यूज करोगे। अब अगेन मेरे सामने वही सेम क्वेश्चन खड़ा है कि इस टेस्ट को किस साइड पे करें, एलवी साइड या एचवी साइड। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ट्रांसफॉर्मर में पावर दोनों तरफ सेम होती है, ठीक है, एपरेंट पावर एस इज सेम, एपरेंट पावर होती है वी इंटू आई। अगर वोल्टेज इंटू करेंट कॉन्स्टेंट है तो जहां वोल्टेज ज्यादा करेंट कम, और जहां करेंट ज्यादा वोल्टेज कम। अब मुझे रेटेड करंट पे करना है, जैसे ओपन सर्किट टेस्ट करना था रेटेड वोल्टेज पे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना पड़ेगा रेटेड करंट पे। तो किस साइड पे करना चाहोगे, जिस साइड पे करंट कम रहे। करंट कम कहां होगा, जहां वोल्टेज ज्यादा होगी। तो इस बार टेस्ट करोगे एचवी साइड पे और शॉर्ट करोगे एलवी साइड को। तो अगला पॉइंट लिखो, since this test is conducted at rated current, it is preferable to conduct the test at lower value of current,
at lower value of current, that is on HV side, that is on HV side, by keeping LV side shorted, दोबारे से देखो, इसके अंदर तीन ही पैरामीटर मेजर होंगे पहले की तरह, वोल्टेज, करंट और पावर। तो मैं दोबारे से सेम सेटअप बना देता हूं। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि इस टेस्ट को किस पे कंडक्ट करना चाहिए, रेटेड करंट पे, और ओपन सर्किट टेस्ट को रेटेड वोल्टेज पे। तो अब क्या, मैंने पूरा ट्रांसफार्मर ड्रॉ करके नहीं दिखाया है, सिंबल दिखा दिया है ट्रांसफार्मर का। अब हम जानते हैं एचवी साइड पे इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होंगे और एलवी साइड शॉर्ट की जाएगी। ठीक है, ये अपना आ गया वॉट मीटर। अब यहां जो वोल्टेज लगाओगे वो एक रियोस्टेट के थ्रू लगाई जाती है, क्योंकि वोल्टेज हमें वेरिएबल रखनी है। वोल्टेज वेरिएबल क्यों रखनी है? देखो, टेस्ट की रिक्वायरमेंट है कि रेटेड करंट फ्लो करे, रेटेड वोल्टेज नहीं चाहिए हमें। अब एक चीज मेरी बात समझना, ऐसा तो बिल्कुल ही मत सोच लेना कि रेटेड करंट मतलब रेटेड वोल्टेज। अभी वो प्रूफ करूंगा कि वोल्टेज रेटेड नहीं है। देखो, पिछली बार मुझे रेटेड वोल्टेज पे टेस्ट करना था। अगर रेटेड वोल्टेज 250 थी तो सीधा मैं 250 लगा देता, लेकिन अब की बार मुझे रेटेड करंट चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां वोल्टेज वैरी करता हूं और मैं एमीटर की रीडिंग देखता हूं। जैसे ही एमीटर की रीडिंग रेटेड करंट दिखाएगी, मैं उसी वोल्टेज पे टेस्ट कंडक्ट करूंगा। तो इसमें वाला पॉइंट लिखो, द वोल्टेज दैट नीड्स टू बी अप्लाइड, द वोल्टेज दैट नीड्स टू बी अप्लाइड इज नॉट द रेटेड वोल्टेज, इज नॉट द रेटेड वोल्टेज, but a voltage required to circulate rated current, a voltage required to circulate rated current which is much less than rated voltage। यानी रेटेड वोल्टेज मत लगाओ, वोल्टेज ऐसी लगाओ जिससे करंट क्या आए, रेटेड, क्योंकि ये टेस्ट हमें रेटेड करंट पे करना है, ना कि रेटेड वोल्टेज पे। ये मच लेस क्यों आती है, इस पे आगे आएंगे। अब देखो, इसके बाद अगर इक्विवेलेंट सर्किट शो करूं मैं, अगर अभी पहले एग्जैक्ट सर्किट से देखें तो कैसा होगा, सीरीज ब्रांच आएगी, फिर बीच में शंट ब्रांच आ जाएगी, फिर से आ जाएगी सीरीज ब्रांच। ठीक है, R1, JX1, प्राइमरी पे मैंने रेफर कर रखा है, R2 JX2, ये है V1, और इधर क्या आता है, V2। लेकिन अब एक चीज देखो, जब सेकेंडरी तुमने शॉर्ट कर दी तो सेकेंडरी की वोल्टेज क्या हो गई, जीरो। तो सेकेंडरी की वोल्टेज का रिफ्लेक्शन भी जीरो बनेगा, जीरो वोल्टेज का मतलब शॉर्ट। ये मेरी बात क्लियर है, दोबारे से समझो, जब सेकेंडरी साइड शॉर्ट है, जब इसको प्राइमरी में रेफर करोगे तब भी ये किसकी तरह बिहेव करेगी, शॉर्ट सर्किट। अब मैं ये जानता हूं कि यहां वाइंडिंग में आने वाला करंट है, जो भी सप्लाई से आने वाला करंट है, I1 रेटेड, इस ब्रांच में जाने वाला करंट है I0। अब हम ये भी बात अच्छे से जानते हैं कि I0 जो है 5-6% है ऑफ I1 रेटेड। I0 बहुत छोटा होने के कारण I0 को इग्नोर कर सकते हो,
और इग्नोर शंट ब्रांच। दूसरा रीजन समझो कि फ्लक्स होता है V बाय F के प्रोपोर्शनल, और जैसा अभी मैंने बोला V इज मच लेस देन रेटेड वोल्टेज, तो फ्लक्स इज मच लेस देन रेटेड फ्लक्स। अब कोर लॉस होते हैं फ्लक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। फ्लक्स अगर बहुत कम हो गया तो कोर लॉस बहुत कम हो गया, कोर लॉस कम हो जाने से IW कम हो जाएगा, IW कोर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। फिर MMF इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस के हिसाब से अगर फ्लक्स कम हो गया तो IMU भी कम हो जाएगा, तो IMU और IW कम होने से I नॉट कम हो जाएगा। तो अब जो है ना I नॉट 5-6% भी नहीं आएगा, I नॉट बहुत ही कम हो जाएगा। अगर I नॉट बहुत ही कम हो गया तो I नॉट को इजीली इग्नोर कर सकते हो। तो ये वाला पॉइंट लिखना, पहले पूरा नोट कर लेना। Since we have applied a voltage much less than rated voltage, the flux is highly reduced. by which core losses, IW, IMU reduce, and hence I not reduces. So I not can be ignored as compared to rated current in the winding. I not can be ignored as compared to rated current in the winding. Next point, by ignoring I not, we are ignoring the shunt branch and only considering series branch. अब देखो, इस सर्किट के अंदर अगर शंट ब्रांच को इग्नोर कर दोगे और सिर्फ सीरीज ब्रांच को कंसीडर करोगे तो क्या होगा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाली ब्रांच सीरीज में आ जाएंगी, तो ये दोनों जुड़ के क्या बना देंगी, R01 और JX01, और ये वोल्टेज हो जाएगी V1 और ये करंट हो जाएगा I1। ठीक है, अब मैं क्या जानता हूं, यहां वोल्टमीटर रीडिंग, वोल्टेज लगा रहे हो V1, वोल्टमीटर रीडिंग होगी V1, एमीटर रीडिंग होगी I1, ठीक है, और वॉट मीटर रीडिंग, क्या होगी, W। इस सर्किट से सोचो, इस सर्किट में रियल पावर कितनी है, रियल पावर बस रेजिस्टेंस की होती है, तो I1 square R01। ठीक है, ये तीन रीडिंग मुझे मिलने वाली है इस सर्किट से। अब मैं वापस आता हूं, जो मैंने शुरू में एजम्पशन बोला कि जो भी वोल्टेज हम लगाएंगे वो काफी छोटी होगी एज कंपेयर टू रेटेड वोल्टेज। मैंने ऐसा क्यों बोला था, देखो इस सर्किट में अगर KVL लगाओगे तो क्या बोलोगे, V1 इज एक्चुअली I1 इंटू इंपिडेंस R01 का स्क्वायर प्लस X01 का स्क्वायर, यानी I1 इंटू Z01। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो Z01 होता है ना, ये बहुत छोटी इंपिडेंस होती है, जैसे क्वेश्चन में देखा भी होगा,
अगर Z01 बहुत छोटा है तो V1 इज स्मॉल, ठीक है। नहीं तो पर यूनिट में जाना चाहते हो, अगर V1 पर यूनिट इज I1 पर यूनिट इंटू Z01 पर यूनिट, I1 रेटेड है और रेटेड की पर यूनिट वैल्यू हमेशा 1 होती है और Z01 की पर यूनिट वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो वोल्टेज की पीयू वैल्यू क्या बनी? 0.1 पीयू, दैट मींस 10% ऑफ रेटेड वैल्यू। पीयू में अगर 100 मल्टीप्लाई कर देते हो ना तो परसेंटेज में आ जाता है, तो पर यूनिट और परसेंटेज साथ में यूज हो सकते हैं। तो बस पर यूनिट परसेंटेज लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है? पीयू इंटू 100। अब ये बात समझ आई? अगर करंट रेटेड या 1 पीयू भी लेके चल रहे हो, ये इंपीडेंस छोटी होने के कारण वोल्टेज रेटेड वैल्यू से काफी कम आएगी। अगर ये इंपीडेंस भी 1 पीयू होती तब तुम्हारी वोल्टेज रेटेड बन सकती थी, अभी वोल्टेज काफी कम बनेगी। ये बात क्लियर है? इसीलिए हम बोल देते हैं कि वोल्टेज इज मच लेस देन द रेटेड वैल्यू। अब देखो अपना ऑब्जेक्टिव क्या था, कॉपर लॉस निकालने का और सीरीज ब्रांच के पैरामीटर्स निकालने का। तो हम क्या कहेंगे, वॉट मीटर रीडिंग इज शॉर्ट सर्किट कर रखा है ना, शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉस। और अगर इफ I1 इज रेटेड करेंट, तब कह सकते हो वॉट मीटर रीडिंग इज फुल लोड कॉपर लॉस। PCUFL माने फुल लोड कॉपर लॉस या रेटेड कॉपर लॉस, बट उसके लिए करंट भी क्या होना चाहिए? रेटेड। अब इसके बाद बात आती है कि मैं इंपीडेंस कैसे निकालूं। देखो इंपीडेंस कैसे आएगी, सिंपली V1 बाय I1, ये इंपीडेंस आ जाएगी ना, V बाय I। और वॉट मीटर रीडिंग तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, I1 स्क्वायर R01, अभी मैंने लिखा भी था, तो R01 क्या हो गया यहां से, W ओवर I1 स्क्वायर। तो रिएक्टेंस कितनी होगी, इंपीडेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो Z01 स्क्वायर माइनस R01 स्क्वायर। और अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं, एक सीरीज RL सर्किट का पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस बाय इंपीडेंस। ये बात क्लियर हुई? तो अगेन इसमें बस याद रखने वाली बात इतनी है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान हम लोग शंट ब्रांच को इग्नोर करके बस कंसीडर करते हैं सीरीज ब्रांच को। ये मेरी बात क्लियर हुई? लेकिन देखो इससे भी प्राइमरी और सेकेंडरी के पैरामीटर अलग अलग नहीं आए, उनका इक्विवेलेंट आया है। तो अब अप्रोक्सीमेशन कैसे कर देते हैं, अप्रोक्सीमेशन में हम क्या कह देते हैं, R01 था, R1 प्लस R2 डैश था ना, इसीलिए दोनों को बराबर मान के कह देता हूं, इन दोनों की वैल्यू है R01 बाय 2। ऐसे X01 क्या था, X1 प्लस X2 डैश, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल मान के कह देता हूं X01 बाय 2। ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है क्योंकि हम इंडिविजुअल पैरामीटर नहीं निकाल सकते, हमारे पास सिर्फ कौन सी वैल्यू आई है, इक्विवेलेंट। और जब इक्विवेलेंट वैल्यू आई है तो दोनों को क्या मान लिया, हाफ हाफ। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, अगला पॉइंट लिखो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट मे नॉट ऑलवेज, शॉर्ट सर्किट टेस्ट मे नॉट ऑलवेज बी कंडक्टेड, मे नॉट ऑलवेज बी कंडक्टेड एट रेटेड करेंट, मे नॉट ऑलवेज बी कंडक्टेड एट रेटेड करेंट, इन विच केस वॉट मीटर रीडिंग ओनली गिव्स कॉपर लॉस बट नॉट फुल लोड कॉपर लॉस। मान लो अगर वाइंडिंग में आने वाला करंट
रेटेड करंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, जो भी वॉटमीटर की रीडिंग आएगी वो कॉपर लॉस होगी, दैट इज I1 square R01। लेकिन फुल लोड कॉपर लॉस क्या होते हैं, ये होता है रेटेड करंट का स्क्वायर। रेटेड करंट पे जो कॉपर लॉस आता है ना, उसे फुल लोड कॉपर लॉस कहते हैं। इसका मतलब है PCU FL by PCU, अगर रेशो ले लो तो क्या होगा, आई रेटेड स्क्वायर बाय I1 square। तो PCU FL कितना हो गया, PCU into I rated over I1 whole square। तो फिर फुल लोड कॉपर लॉस तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला भी पॉइंट लिख लो, इफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज नॉट कंडक्टेड एट रेटेड करेंट, then full load copper loss needs to be derived। अगला पॉइंट, the values of R01 and X01 are independent of current at which short circuit test is conducted, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, किसी क्वेश्चन में अगर R01 और X01 मांगा गया है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, और टेस्ट रेटेड करंट पे नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस भी करंट पे हुआ है उसी पे R01 और X01 निकाल दो, वही वैल्यू तुम्हारा आंसर भी होगी, ठीक है। लेकिन अगर कॉपर लॉस में फुल लोड कॉपर लॉस मांग रहा है तो उसे चेंज करना पड़ेगा, यानी कन्वर्जन किसके लिए चाहिए, बस कॉपर लॉस के लिए, लेकिन R और X निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट के डेटा जो दिया है उसी का यूज कर सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कभी भी करंट पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो इस पे एक क्वेश्चन लिखो, what happens if short circuit test is conducted at rated current but less than rated frequency, अगेन एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और जो लोग आंसर देखना चाहते हैं तो हम सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। मैंने क्या बोला है कि टेस्ट को तो रेटेड करंट पे कंडक्ट किया गया है, बट जो फ्रीक्वेंसी रखी है वो रेटेड से मैंने कम ली है, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि एमीटर की रीडिंग तो सेम रहेगी, सही बात है, एमीटर की रीडिंग क्या रहेगी, आई रेटेड। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट माना जाता है, ठीक है, वैसे तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, स्किन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, बट इन जनरल इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। तो वॉटमीटर की रीडिंग जो होती है वो I1 square R01 होती है, ये भी कांस्टेंट आने वाली है, लेकिन रिएक्टेंस हमेशा फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, ओमेगा एल होती है ना, तो ओमेगा में तो 2πf होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, X01 रिड्यूसेस, इंपीडेंस होती है अंडर रूट R square plus X square, तो इंपीडेंस भी डिक्रीज होगी। केवीएल के हिसाब से वोल्टेज होती है I1 Z01, तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगी, यानी वोल्टमीटर रीडिंग, सर्किट में वही रेफर कर रहा हूं जो मैंने अभी बनाया था, रिड्यूस हो गई। पावर फैक्टर
सीरीज आरएल सर्किट का होता है आर जीरो वन बाय जेड जीरो वन, तो जेड जीरो वन अगर डिक्रीज हो रहा है और आर जीरो वन कॉन्स्टेंट है तो पावर फैक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सारा इफेक्ट पड़ेगा अगर करंट कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी कम कर दी जाए, ठीक है ना। तो एक होमवर्क प्रॉब्लम इस पे लिखो एक और, आ 20 KVA, आ 20 KVA 2500 by 250 volt, 20 KVA 2500 by 250 volt, 50 Hz सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, 50 Hz सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर गेव द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट, गेव द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट। ओपन सर्किट टेस्ट दिया है एलवी साइड पे 250 वोल्ट, 1.4 एम्पियर, 105 वॉट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट एचवी साइड पे दिया है डेटा 104 वोल्ट, 8 एम्पियर, 320 वॉट। अब क्वेश्चन लिखना आगे, कैलकुलेट पैरामीटर्स ऑफ अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, कैलकुलेट पैरामीटर्स ऑफ अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑन एलवी साइड। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है जो अटेम्प्ट करना है, ठीक है, जिसका सोल्यूशन की हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगले वीडियो के अंदर मैं कुछ और टेस्ट आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो कि ट्रांसफॉर्मर पे कंडक्ट किए जाते हैं और उनका पर्पस भी समझेंगे क्या होता है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। याद रखने वाली बात बस इतनी है, ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट टेस्ट रेटेड करंट पे करना चाहिए बट हो सकता है ना किया जाए। ओपन सर्किट टेस्ट में सीरीज ब्रांच को इग्नोर करोगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में शंट ब्रांच को। ओपन सर्किट टेस्ट में कोर लॉस मिलेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना और इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करना। मुझे 4 पैरामीटर चाहिए, आरसी, एक्सएम, आर01 और एक्स01। ये 4 पैरामीटर्स निकालने किस साइड पे, एलवी साइड पे, ठीक है। तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।